कल ईद के अवसर पर नागौर शहर में युवती के साथ छेड़खानी को लेकर नागौर में हुआ विवाद। एक घंटे तक 100 लोगों ने फेंके पत्थर। नागौर स्थित किदवई कॉलोनी में मंगलवार को ईद के मौके पर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल। जानकारी के अनुसार एक पक्ष की लड़कियों पर दूसरे पक्ष के लड़कों द्वारा पबतियां कसते हुए छेड़खानी करने से हुई कहासुनी में मामला गर्मा गया और पत्थरबाजी की नौबत आ गई। इसके बाद करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल तथा 10-12 मोटरसाइकिलें भी तोड़ी गई। दोपहर करीब 2 बजे विवाद थोड़ी ही देर में ले चुका था हिंसक रूप। मौके पर दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हो गए जमा तथा की गई पत्थरबाजी। लोगों ने एक दूसरे पक्ष की गाड़ियां भी तोड़ते हुए एक घंटे तक किया बवाल, जिसमें 5 से 6 जने हो गए घायल। पत्थरबाजी और हंगामे की सूचना पर डिप्टी विनोद कुमार सिपा, शहर कोतवाल ब्रजेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे मौके पर तथा हालात पर पाया काबू। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के सदस्यों को मौके से खदेड़ कर बनाई शांति तथा फोर्स की तैनाती। दोनों ही पक्षों ने कोतवाली थाने में एक दूसरे पर क्रॉस केस किए दायर। डिप्टी विनोद कुमार सिपा ने बताया कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से इसे धार्मिक हिंसा के नाम पर किया जा रहा था वायरल, जबकि यह केवल दो पड़ोसियों के बीच के झगड़े का प्रकरण था। उन्होंने शहरवासियों से भ्रामकता नहीं फैलाने तथा बेवजह तूल नहीं देने की अपील करते हुए बताया कि प्रकरण में 4 लोगों को ले लिया गया हिरासत में तथा मौके पर बनाई गई शांति। उन्हीं पड़ोसियों के बीच में जो विवाद था उसको शांत किया गया। उसके बाद में परस्पर इनके प्रकरण दर्ज है और 4 लोगों को हमने डिटेन किया है और आवश्यक कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ, उसका वीडियो वायरल हुआ है, उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, उसको देख के हम चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में भी लोग अलग तरीके से, मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि इस मामले में इसको अलग तरीके से देख के और वायरल किया जा रहा है। न तो ये हिंदू मुस्लिम जैसा कोई इंसिडेंट हुआ, ये दो पड़ोसियों की आपस का कोई विवाद है और जिसमें मौके पर शांति है, कोई बड़ा विवाद नहीं है। और मेरी आप सभी से ये अपील रहेगी कि इसको जो चीज़ जैसी है वैसी ही इसको पेश किया जाए। इससे कई बार रूमर्स फैलने से कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। कल अक्षय तृतीया के अवसर पर मनाया गया नागौर स्थापना दिवस। इतिहासकारों का दावा है कि नागौर की स्थापना महाभारत काल में अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, तब से इसे नागौर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस नगरी को पहले अक्षेत्रपुर नाम से जाना जाता था तथा यहाँ मिट्टी का किला था। समय के साथ इसका स्वरूप बदलते हुए वर्तमान स्वरूप महाराज बखत सिंह के समय हुआ। आपको बता दें कि नागौर के दुर्ग को 2007 में मिल चुका है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी पुरस्कार। यह फोर्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। वीर अमर सिंह राठौड़ की गाथा के साथ भी नागौर की है विशेष पहचान। नागौर के किले में झलकती है इसकी भव्यता और वीरता। राजस्थान में पहाड़ों और ऊंचाइयों पर बले किलों से हटकर समतल पर बना नागौर का किला अपने आप में है अनूठा। बताया जाता है कि इस पर तोप के गोले का भी नहीं होता है असर तथा दागे गए गोले इस किले के ऊपर से बिना नुकसान पहुँचाए निकल जाते थे। सन 1570 में राजपूत राजाओं से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने भी यहां 58 दिन तक प्रवास करते हुए लगाया था दरबार। इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां भी यहां कई दिनों तक ठहरे थे। किले के अंदर पर्यटकों के आकर्षण के लिए शानदार खूबसूरत महल और भव्य इमारतें हैं मौजूद। किले में मौजूद हवा महल, शीश महल, दीपक महल, बखत सिंह पैलेस और हाड़ी रानी का महल है अद्भुत। किले में मौजूद गार्डन और शानदार फाउंटेन भी आकर्षण का है केंद्र। बताया जाता है कि किले की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वजह से बारिश का पानी एवं फवारों से निकलने वाला पानी वापस पहुंच जाता था बावड़ियों में। साथ ही यहाँ वेंटिलेशन भी झरोखों के माध्यम से मनमोहक होने के साथ ही है कारगर। नागौर सूफी मत का भी रहा है बड़ा केंद्र। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजीज शिष्य सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने भी अपना जीवन का अधिकतर समय यहीं बिताया। न्यूज़ 21 राजस्थान के माध्यम से हम आपको जल्द ही नागौर किले की एक शानदार डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले हैं।
कल देश और प्रदेश में ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। अकीदत और एहतराम के साथ नागौर शहर स्थित जिले भर की ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई ईद की नमाज। मकराना में भी ईदगाह मैदान में हज़ारों की तादाद में रब की बारगाह में सिर झुकाकर नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन और शांति के लिए मांगी गई दुआएं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था की निगरानी में ईदगाह मैदान में संभल से आए मौलाना मुस्तफ़ा हसन ने सुबह 7 बजे ईद की नमाज करवाई अदा। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलते हुए मुबारकबाद की पेश। शहर की अन्य मस्जिदों में भी सुबह 7:30 बजे स्थानीय उलेमाओं ने ईद की नमाज करवाई अदा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से रखी गई निगरानी, वहीं ईदगाह मैदान में जगह जगह पुलिसकर्मी भी किए गए तैनात। कल ईद के पावन अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी ईद मिलन समारोह किए आयोजित। सभी को दावत देते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे का दिया संदेश। रियाबड़ी में भी ईद के अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों के साथ दावत का रखा कार्यक्रम। कल नागौर स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा सेठ किशनलाल कांकरिया स्कूल में रात्रि 9:30 बजे से विराट कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, उप सभापति सदाकत अली, नगर आयुक्त सरवन राम चौधरी, सीओ विनोद कुमार सिपा ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में आए हुए सभी कवियों का नगर परिषद की ओर से माला एवं साफा पहनाकर किया गया स्वागत। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मनोरमा जैन सहित अन्य कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर बांधा समा। मंच का संचालन मोहम्मद शरीफ छिम्पा ने किया तथा इस मौके पर पूर्व सभापति अशोक के साथ साथ वर्तमान एवं पूर्व पार्षदगण एवं शहरवासी तथा गणमान्य लोग भी रहे शामिल। नागौर के मिर्दा कॉलेज परिसर में पीजी विषयों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र नेता की एक बार फिर बिगड़ी तबीयत, दोबारा जेएलएन अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गौरतलब है कि बीआर मिर्दा कॉलेज में विभिन्न विषयों की पीजी कोर्स शुरू करने सहित कॉलेज में विश्वविद्यालय का सहायता केंद्र एवं महिला छात्रावास में पुस्तकालय खोलने की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं छात्र। छात्र नेता वासुदेव बांता की कल फिर अनशन की वजह से बिगड़ी तबीयत। कल अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती भी देश प्रदेश सहित जिले भर में मनाई गई। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न गांव कस्बों में भी रखे गए आयोजन में भगवान परशुराम का पूजन करते हुए आरती कर समाज में शिक्षा एवं जागरूकता लाने पर दिया गया जोर। डीडवाना पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई करते हुए 8 वर्षों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को धोखाधड़ी के प्रकरण में किया गिरफ्तार। थाना अधिकारी राजेश कुमार द्वारा गठित विशेष टीम ने स्थायी वारंटी नेचवा सिकर निवासी सीताराम कुमावत को हरमाड़ा जयपुर से किया गिरफ्तार। लाडनू थाना क्षेत्र के निम्बी जोधा के पास कल नागौर चौराहे से निकलते ही चंद्राई सड़क पर टेंट का सामान भरकर लेकर जा रही पिकअप गाड़ी पलटी। सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई पिकअप गाड़ी। इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होने से टला बड़ा हादसा, पिकअप चालक को आई चोटें। कुचामन सिटी के बूढ़सू रोड पर स्थित गैस गोदाम के पीछे एक मकान में बने छप्पर में मंगलवार शाम आग लगने से एक भैंस की जलकर हुई मौत तथा 2 अन्य भैंसें और झुलसी। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। सूचना पर दमकल नहीं पहुंची मौके पर, आसपास के लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।